जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लोर टेल के बारे में कि हम जब फ्लोर टेल लगाते हैं तो कॉस्टिंग कितना आता है उस पर, तो उसके बारे में हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल वे में, चूँकि मैं बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखा दोस्तों, जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएशन होता है कि आप कैसे आप सीमेंट का कॉस्ट निकालते हैं, कैसे MM का और या फिर स्क्वायर इंच का। तो बहुत सारे उसको मैंने निकाला हूँ उसी तरीक़ा से, लेकिन उसको मैं सिंपल भाषा में कोशिश किया हूँ समझाने का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको काउंटर पर ले चलता हूँ जहाँ पर मैंने टाइल के ऊपर ही लिख करके चीज़ को समझाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों वेलकम, चलते हैं देखते हैं कि कैसे हम इसका कॉस्ट निकालते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपका कि मेरा यूट्यूब चैनल टाइल्स फैमिली से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप इसे जुड़िए ज़रूर, क्योंकि मैंने टाइल्स, हार्डवेयर, पेंट और इलेक्ट्रिकल्स का वीडियोज़ मैं इस पर डालता हूँ, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होगा। तो दोस्तों चलिए वेलकम। तो दोस्तों मैं अपने काउंटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी हम एरिया निकाल करके उसमें हम ये देखते हैं कि फ्लोर के टाइल जब लगाते तो उसमें कितना कॉस्ट पड़ता है, टोटल कॉस्ट कितना खर्चा आता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं काउंटर पे देखिए दोस्तों, टाइल है लगा हुआ रखा हुआ और ये भी वाइट कलर की टाइल है, जिस पर हमने इसको हम बोर्ड मार्कर के हिसाब से हम इसी को बोर्ड बना लिए और इसी पर हम आपको समझाते हैं। दोस्तों मैंने पूरा कैमरा को सेट कर लिया सही से। तो दोस्तों कोई भी एरिया में जब हम टाइल लगाते हैं तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा पहले जरूरत पड़ता है किस चीज़ का, टाइल्स का। तो टाइल्स में कितना लगेगा, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले टाइल का कितना कॉस्ट आएगा, दूसरा सीमेंट का कितना कॉस्ट आएगा, तीसरा ग्रोटिंग का कॉस्ट क्या आएगा। जब टाइल लगाते हैं तो बीच में जॉइंट होता है तो उसको फिल करने के लिए ग्रोटिंग लेते हैं, ठीक है, तो उसका कितना कॉस्ट आएगा। चौथा उसमें लेबर मिस्त्री कितना आएगा, मतलब लेबर का कॉस्ट कितना आएगा। ये हम चारों कॉस्ट निकालेंगे तो हम उस एरिया का टोटल कॉस्ट हम अंदाज़ा निकाल लेंगे पूरा अच्छा से। और एक एरिया का हम निकालते हैं 10x12 का रूम में, ठीक है, कितना टाइल लगेगा। तो दोस्तों चलिए पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 10x12 कर लेंगे तो इसका हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा 120 square feet। और दोस्तों इसमें स्कटिंग लग जाती है, स्कटिंग कैसे निकालते हैं, तो स्कटिंग निकालने के समान प्रक्रिया है दोस्तों कि रनिंग फुट है जितना, जैसे आपको 10 × 20 और 12 × 24, ठीक है ना, तो कितना हो गया 44 फुट रनिंग हो गया। और लगाना कितना है, इंचेज में लगाना है 5 से, ठीक है, तो 5 इंची 44 फुट रनिंग, मतलब लंबाई 4 फुट घुमा करके घेर इसका हो गया 44 फुट और 5 इंची का रनिंग निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, 44 को कन्वर्ट कर लेते हैं इंच में, तो इसको के लिए क्या करना पड़ेगा, 44 को गुना मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना 12 से, ठीक है, तो 528 हो जाएगा। तो हम ये 44 को हटा के हम क्या यहाँ पे 528 इंचेस लिख देते हैं और ये हो गया 5 इंचेस। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इसको, तो 528 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आपके 2640 इंचेस निकल जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम 144 से डिवाइड कर देते हैं तो ये स्क्वायर फुट एरिया निकल जाएगा, क्योंकि 144 स्क्वायर इंच बराबर 1 फुट होता है, 12x12 का साइज हम जब निकालते हैं तो 144 स्क्वायर फुट होता है, ठीक है ना, और उसको इंच में निकालेंगे तो 144 इंचेस निकलेगा, वो स्क्वायर इंचेस निकलता है, ठीक है, तो डिवाइड हम इसको कर लेते हैं 144 से, तो ये आपका 18.33 स्क्वायर फुट आया, ठीक है, 18.33 स्क्वायर फुट आया। ये पहले हम निकाले कितना, 120 स्क्वायर फुट 10x12 के रूम में और स्कटिंग 18.33, मतलब कोई मैं 19 मान लेता हूँ राउंड फिगर, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, 19 फुट आएगा, ठीक है, तो 19 फुट ये हो गया आपका, टोटल हो गया आपका 139 फुट। तो 2x2 टाइल का हम इसमें बात करेंगे कि 2x2 का टाइल कितना लगेगा, तो 2x2 का जो बॉक्सेस होता है इसमें 16 square feet होता है, ठीक है दोस्तों, 16 square feet टाइल होता है एक बॉक्स में और हमें 139 फुट निकालना है। 139 को डिवाइड कर लेते हैं 16 से, ये बॉक्सेस निकल जाएंगे हमारे कितना, चूँकि एक बॉक्स में 16 square feet होता है और टोटल स्क्वायर फुट हमारे पास 139 है। अब 139 को 16 square feet से निकाल देंगे तो टोटल बॉक्स निकल जाएगा हमारा, तो 139 / 16,
ठीक है ना, 8.68 बॉक्स हो गया, ठीक है ना, मतलब अप्रोक्स 9 बॉक्स लगेगा, ठीक है दोस्तों। चूँकि टुकड़े में तो देगा नहीं आपके, दो पीस लूज तो देगा नहीं आपको, तो आपको पूरे पूरे 9 बॉक्स लेना पड़ेगा, 9 बॉक्सेस हो गए, ठीक है दोस्तों। अब ये 9 बॉक्स का कॉस्ट भी निकालते हैं दोस्तों, ये हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इसमें टाइल का अलग अलग क्वालिटी होता है, ठीक है ना, जैसे आपका GVT हो गया, डबल चार्ज हो गया, DC डबल चार्ज हो गया, पोर्सिलिन हो गया, ठीक है, नाइनो है, बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं टाइल्स, इसके बारे में तो अलग अलग कॉस्ट होता है। नॉर्मली हम GVT डबल चार्ज के लगभग कॉस्ट बराबर होता है, और 95% यही टाइल हम सब आजकल लगाते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट भी है और मजबूती में इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा होता है, तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। पोर्सिलिन काफ़ी सस्ता होता है, नैनो भी सस्ता होता है, हम DC डबल चार्ज और GVT के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसका आपका एक बॉक्स का कॉस्ट जो है, एक बॉक्स का कॉस्ट अप्रोक्स देखिए 550 और 650 के बीच में आएगा, तो हम राउंड फिगर हम बिल ले लेते हैं 590 रुपये एक बॉक्स, 590 रुपये का एक बॉक्स कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो 9 बॉक्स है, 9 बॉक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना से, 590 से, तो हमारे को टोटल कॉस्ट निकल जाएगा 590 × 9, ठीक है ना, ये आपके हो गए 5310 रुपये। तो टाइल का टोटल कॉस्ट निकल गया दोस्तों कितना, 5310 रुपये, ठीक है, ठीक है। अब हम निकालते हैं सीमेंट का कॉस्ट क्या लगेगा, तो एक बैग सीमेंट कितने का होता है, 50 kg का, और एक बॉक्स टाइल में लगता है कितना, 20 kg। वो कैसे लगता है 20 kg दोस्तों, तो एक टाइल ऊपर, एक पीस टाइल में, एक बॉक्स में चार टाइल होता है 2x2 का, और एक पीस टाइल पे हमें ऊपर 5 kg का सीमेंट डालेंगे, उसके ऊपर डालेंगे 5 mm या 7 mm या 10 mm की मोटाई के जो हम फैलाते हैं, तो अप्रोक्स 5 kg का लगभग आता है। कहीं पे आपको 10 इंच 10 mm भी मोटाई करना पड़ता है, वो अकॉर्डिंग टू सरफेस जो टाइल जहाँ लग रहा है वहाँ, कहीं पे मोटी लगती है, कहीं पे पतली लगती है, तो एवरेज आपको 5 kg एक टाइल पे लगता है, और एक बॉक्स में कितना टाइल होता है, 4, तो ये आपका होगा 20 kg, ठीक है, एक बॉक्स में 20 kg निकल गया, तो टोटल कितना हमारा है, 9 बॉक्स है, ठीक है ना, तो 9 × 20 कर लीजिए कितना हो गया, 9 × 20 180 kg, ठीक है ना, 180 kg, और 1 kg कितने का है, 50, एक बैग कितने का, 50 kg का, ठीक है, तो 180 को डिवाइड हम कर लेंगे 50 से, तो 180 / 50 3.6 बैग को हम 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं, चूँकि आधे की कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, एवरेज लेता, कहीं पे आपको ज़्यादा भी लगता है, कहीं पे कम भी लगता है, तो एवरेज हम 4 बैग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 4 बैग का कितना आ गया, 4 बैग सीमेंट, 4 बैग सीमेंट का कॉस्ट हो जाएगा अप्रोक्स 400 के हिसाब से 1600 रुपये, तो सीमेंट का कॉस्ट कितना निकलेगा दोस्तों, 1600 रुपये सीमेंट का, टाइल का कॉस्ट लग गया आपका 5310 रुपये, और ग्राउटिंग ये तो बहुत ईजी है, 50 रुपये का सीमेंट, चूँकि इसके 1 kg लगेगा ग्राउट, जिसकी कीमत 50 रुपये होती है, 40 रुपये 50 रुपये, ठीक है ना, ऐसा ही होता है, 60 रुपये भी होता है, तो मैं एवरेज दे दिया 50 रुपये, और लेबर कॉस्ट, तो दोस्तों टोटल स्क्वायर फीट हमारा कितना था, 139, तो 139 square feet टोटल एरिया है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लेबर का कॉस्ट, तो लेबर हमारा नॉर्मली मिस्त्री का जो चार्ज स्क्वायर फुट का है आपको 15, 16, 17 होता, तो मैं एवरेज 16 रुपये फुट लगाता है मिस्त्री, तो 139 का लग जाएगा दोस्तों कितना, 139 × 16 कर लीजिए 2224 रुपये, तो ये भी कॉस्ट हम जोड़ देते हैं 2224 रुपये। अब ये टोटल हम जोड़ देते हैं कितना हो गया आपका, 5310 1650 + 2224, ये आपका 9184 टोटल कॉस्ट, तो ये आपका 12x10 का रूम में, उसमें टोटल खर्चा टाइल सीमेंट ग्राउटिंग और लेबर का कॉस्ट कितना आएगा, 9184
₹84 मतलब कि ₹9200। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह की क्वालिटी वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।